हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। माई सेल्फ डॉक्टर सिद्धांत सिंघे, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ संहिता सिद्धांत। टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कशन अबाउट द चैप्टर ऑफ सिद्धिस्थान, दैट नेम इज़ द नेत्र वस्ति व्यापक सिद्धि। सो आज हम सिद्धिस्थान के चैप्टर नंबर 5, इसका नाम है नेत्र वस्ति व्यापक सिद्धि अध्याय के बारे में डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। सो व्हाट आर सेज आचार्य चरक एंड कैसे इसकी स्टार्टिंग होती है। सो अथातो नेत्र वस्ति व्यापक सिद्धि व्याख्या स्मः, अथातो नेत्र वस्ति व्यापक सिद्धि व्याख्या स्मः। नेत्र वस्ति व्यापक सिद्धि नामक अध्याय की यहाँ व्याख्या की जाएगी, जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था। इति ह स्मः भगवान आत्रेय, मतलब कि जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था। अथ नेत्राणि वस्तिश्चु, अथ नेत्राणि वस्तिश्च शृणु वर्जनी कर्मशु, नेत्रस्य यज्ञ प्रणीतस्य व्यापदा सा चिकित्सितः। अथ नेत्राणि वस्तिश्च शृणु वर्ज्यानि कर्मशु, नेत्रस्य यज्ञ प्रणीतस्य व्यापदा सा चिकित्सितः। अब चिकित्सा कर्म में ना लेने योग्य नेत्र और वस्तियों के बारे में आचार्य चरक यहाँ बताते हैं, और अल्प बुद्धि वाले चिकित्सकों से प्रयुक्त नेत्र में होने वाले उपद्रव, मतलब कि व्यापद, और उन उपद्रवों की चिकित्सा के बारे में हमें समझाने की कोशिश करते हैं। सो वॉटर सेज नाउ वी सेल एक्सपाउंड द चैप्टर अपॉन द मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू एनिमा नोजल्स। दस सेट लॉर्ड आर्त्रेय हैंसफोर्थ लिसन टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफेक्ट इन एनिमा नोजल्स, देयर कॉम्प्लिकेशंस इफ यूज फॉर द बस्ती एंड देयर मैनेजमेंट। मतलब अब चिकित्सा कर्म में ना लेने योग्य किसका, बस्ती और नेत्र, उनके बारे में आचार्य बताते हैं। और वो बोलते हैं अल्प चिकित्सा, अल्प बुद्धि वाले चिकित्सकों से प्रयुक्त नेत्र से होने वाले उपद्रव और उन उपद्रवों की चिकित्सा के बारे में आचार्य चरक हम सबको बताते हैं। स्लाइड में एक और श्लोक दिया था, आप्राप्य अतिगति क्षोभकर्षण क्षणन स्रवः गुदपीडा अतिजिवः तेषां दोषा यथा क्रमम। अब उनके अकॉर्डिंग कैसे कैसी तकलीफें, कैसे कैसे व्यापद होते हैं, मतलब हृष्य होगा तो क्या होगा, दीर्घ यदि नेत्र होगा तो कैसा होगा, तनु नेत्र होगा तो कैसे होगा, उसके बारे में आचार्य ने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। आचार्य बताते हैं आप्राप्य अतिगति क्षोभ कर्षण क्षणन स्रवः गुदपीडा अतिजिवा तेषाम दोषा यथाक्रम, यथाक्रम इसके अकॉर्डिंग। तो मतलब हृष्य, यदि हमारा बस्ती नेत्र हृष्य है तो अप्राप्य, मतलब कि हमारी औषधि प्राप्त नहीं कर पाएगी उस जगह तक रीच नहीं हो पाएगी, उस जगह तक पहुंच नहीं पाएगी। उन्होंने उसके बारे में बताया, तो उन्होंने एक हर एक वर्ड का उसके साथ में उसका यथाक्रम, मतलब कि यदि हृष्य है तो क्या होगा, दीर्घ है तो क्या होगा, तनु है तो क्या होगा, उसके बारे में बताया है। तो आचार्य चरक क्या बताते हैं, नेत्र दोष के परिमाण से क्या है। तो यदि अप्राप्य, यदि नेत्र हृष्य है, तो यदि अज्ञानतावश इन दोषयुक्त नेत्रों का प्रयोग किया गया है तो नेत्र के छोटे होने से, मतलब कि हृष्य होने से औषधि अपने यथा स्थान तक नहीं पहुंच पाएगी, मतलब कि पक्वाशय तक नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए उसको क्या बताया है अप्राप्य। उसके बाद क्या बताया अतिगति, अतिगति मतलब यदि नेत्र बड़ा है दीर्घ है तो क्या होगा, यदि नेत्र बड़ा है और दीर्घ है तो औषध अतिगति और तेज गति से ऊपर चली जाएगी, मतलब ऊपर तक चली जाएगी, हमारे जो स्थान तक हमें पहुंचाना उस स्थान से और ऊपर आगे तक निकल जाएगी। फिर तीसरा बताया उन्होंने तनु, यदि नेत्र पतला हो तो गुदा में क्षोभ कर सकता है, हमारे रेक्टल रीजन में, हमारे एनस वाले रीजन में हमें क्षोभ कर सकता है। उसके बाद उन्होंने बताया कि यदि नेत्र मोटा हो तो क्या होगा, नेत्र मोटा होता है तो गुदा में खिंचावट हो सकती है, गुदा में हमें कोई चीज़ जैसे प्रिक कर रही है या कोई चीज़ हमें मतलब खींच रही है, ऐसा हमें महसूस होने लगता है। फिर उन्होंने पांचवें में बताया यदि नेत्र कैसा है, जीर्ण है, पुराना है तो क्या होगा, यदि नेत्र पुराना है तो गुदा कट सकती है, छिल सकती है, हमारे रेक्टल बॉल में, हमारे एनस वाली जो म्यूकस वाली जो मसल्स है वहाँ पे हमें कट लग सकते हैं, और हमें मतलब वहाँ पे रैसेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है क्योंकि बहुत पुराना है, उसमें रस लगा हो सकता है, इसकी वजह से हमको तकलीफ हो सकती है। फिर उन्होंने क्या बताया शिथिल बंधनम, छठवें नंबर बताया कि शिथिल बंधनम, यदि बंधन ढीला है, मतलब किसका बंधन, नेत्र में और उसका पुटक,
जो बंधन है, हमने यदि इसको बंधन को ढीला, मतलब जो हम टाई करते हैं वो यदि बंधन ढीला हो जाए तो औषधि क्या होगी, बाहर निकल लगी, मां से सिक्रेशन होने लगेगा, औषधि निकल के बाहर आने लगी, मतलब क्या होगा, स्रवाह, मतलब क्या बताया, स्रवाह होने लगेगा। इसके बाद उन्होंने सातवें नंबर पर बताया कि यदि वस्ती के पार्श्व में छिद्र होते हैं तो क्या होगा, वस्ती द्रव बाहर निकल लेगा, वहाँ बाहर मतलब उससे लीकआउट होने लगेगा। फिर उन्होंने बताया कि आठवें नंबर पे क्या बताया, हाँ जब लीकआउट होने लगेगा तो क्या होगा, जब वस्ती द्रव बाहर निकलकर गुदा में पीड़ा उत्पन्न करेगा, मतलब गुद पीड़ा करेगा। और फिर लास्ट में बताया अतिर्जिह्वा, मतलब कि यदि नेत्र टेढ़ा हो तो गुदा में टेढ़ा होकर ही प्रवेश करेगा, जिससे औसत सीधे रूप में प्रवेश नहीं करेगी बल्कि उसे और तकलीफ होगी। तो अप्राप्य, अतिगति, क्षोभ, कर्षण, क्षणन, स्रवह, गुदपीटा, अधिजिवा, तेषाम दोषाम यथाक्रमम, मतलब नेत्र के आठ वजह से ह्रस्वम, दीर्घम, तनु स्थूलम, जीर्णम, शिथिलबंधनम, पार्श्वद्रम, यथावक्रम, अष्टौ नेत्राणी वर्जेत, इनकी वजह से अप्राप्य, अतिगति, क्षोभ, कर्षण, क्षणन, स्रवह, गुदपीटा, अतिजिवा, तेषाम दोषाम यथाक्रम, ऐसे ऐसे व्यापद या कॉम्प्लिकेशन देख। तो आचार्य चरक ने यहाँ पे नेत्र के आठ दोषों के बारे में बताया है, ह्रस्वम, दीर्घम, तनु स्थूलम, जीर्णम, शिथिलबंधनम, पार्श्वद्रम, वक्रम इति अष्टौ नेत्र दोषाः। तो नेत्र के आठ दोषों के बारे में, ह्रस्वम मतलब कि बहुत छोटा होना, दीर्घम प्रमाण से बहुत लंबा होना, तनु मतलब प्रमाण से बहुत पतला होना, स्थूलम मतलब प्रमाण से बहुत थिक होना, जीर्णम मतलब कि उसमें या तो पुराना होना, ओल्ड होना, म्यूटिलेटेड होना, शिथिलबंधनम उसका जो टाई है, उसका जो अपन ने बंध बांधा है, हैविंग लूजली टाइट, उसके बीच का जो बंध है वो लूज होना, उसकी वजह से तकलीफ हो सकती है। पार्श्वद्रम मतलब उसके साइड में लिटरली उसमें बहुत सारे होल का हो जाना, उसकी वजह से हमारी मेडिसिन का रिसाव हो सकता है। एंड वक्रम मतलब कि जो नेत्र है वो ब्लंट है, कर्व सेप में है, तो उसकी वजह से तकलीफ हो सकती है। आर टू बी अवॉइडेड, हमें ऐसे आठों दोषों को अवॉइड करना है। इफ़ दीज सॉर्ट ऑफ नोजल्स आर यूज्ड बाय द बस्ती प्रोसीजर इट रिजल्ट इन द करस्पॉन्डिंग एट दोसाज, दीज दोसाज आर हार्मफुल इफेक्ट इन द बॉडी एज डिविलेटेड बिलो, जो कि नीचे आचार्य चरक ने दूसरी स्लाइड में बताया है कि इन आठ दोषों की वजह से कौन कौन से व्यापद हमें देखने को मिलते हैं। तो इस श्लोक में वापस समझाएंगे, क्या बताया है, गति वैषम्यम, गति वैषम्यम, विस्रवत्व, स्राव, दौर्घ्य, निस्रवः, फेनलच्युत, अधार्यत्वम, बस्ते शिर बस्ती दोषितः, क्या बताया है अब उन्होंने, इसके वजह से क्या हो सकते हैं, तो जो बस्ती पुटक के दोष हैं उनकी वजह से हमारे लिए व्यापक कौन कौन से हो सकते हैं। तो क्या बताया है, गति वैषम्यम, गति वैषम्यम, विस्रवत्व, स्राव, दौर्घ्य, निस्रवः, फेनलच्युत, अधार्यत्वम, वस्तेश्वर वस्ती दोषितः, बस्ती की विषमता से सबसे पहले क्या बताया, यदि बस्ती की विषमता होती है तो क्या होगा, औसत जो है वो गति उसकी विषम हो जाएगी और वो सही जगह तक नहीं पहुंचेगी। दूसरे नंबर पे क्या बताया है, मांसला, जो उसका दोष बताया था उसकी वजह से क्या होगा, यदि मांसल होने से उसमें कच्चे मांस की गांध मतलब विस्रवत्व वो आने लगेगी, वो आएगी। इसके बाद तीसरे नंबर पे क्या बताया, बस्ती के छिद्रयुक्त होने से मतलब छिन्न होने से क्या हो सकता है, इसका औषधि का स्राव हो सकता है। देखो एक एक को ऑर्डर के साथ में बताया, विषम होने से क्या होगा, हमारी गति विषम होने से हमारे मेडिसिन जो है वो सही जगह तक नहीं पहुंचेगी, मांसल होने से उसकी स्मेल आएगी, छिन्न होने से उसका स्राव बढ़ेगा। उसके बाद चौथे नंबर बताया कि बस्ती के छिद्रयुक्त होने से, सॉरी तीसरे नंबर पे बस्ती के छिद्रयुक्त होने से औसत का स्राव होगा, बस्ती के अधिक मोटे होने से मतलब क्या बताया, स्थूलम, देखो पहले वाले श्लोक में क्या बताया, स्थूल, तो उसकी वजह से क्या होगा, बस्ती के अधिक मोटे होने से कठिनता से हाथ में पकड़ी जाएगी, मतलब बस्ती को हम ठीक से पकड़ नहीं पाएंगे, ठीक है, होल्ड नहीं कर पाएंगे, अग्राह्य, दोग्राह्य, ठीक है ना। इसके बाद पांचवें नंबर बताया, बस्ती में सराजाल युक्त होने से अधिक श्राव होगा, मतलब निश्रावाहा, मतलब कि बस्ती में जालिकावत यदि होती है बस्ती पुटक, तो उससे क्या होगा, उसमें बहुत ज़्यादा रिसाव होगा, बहुत ज़्यादा उसका सिक्रेशन होना शुरू हो जाएगा। फिर छठे नंबर बताया कि बस्ती के बातला होने से क्या है, देखो जालिकावत में निश्रवा का एक दोष बताया, मतलब जालिकावत यदि दोष है तो उसकी वजह से व्यापक क्या आएगा। फिर बताया बातलाहा, मतलब यदि बस्ती पुटक में बात एयर कंटेंट ऐड हो जाते हैं तो क्या होगा, बस्ती के बातल होने से बस्ती में फेन भरा रह जाएगा, मतलब वहाँ पे फ्रॉथ इकट्ठा हो सकता है, मतलब फेनलच्युत मतलब फेनल इकट्ठा हो सकता है। और फिर लास्ट में क्या बताया, आठवें नंबर सातवें नंबर पे क्या बताया है, बस्ती के चिकने होने से हाथ में गिर जाने का भय बताया है, क्लिन्न, सॉरी स्निग्ध होने से वो हमारे हाथ में होल्ड नहीं कर पाएंगे हम, वो उसको
अधार्यत्व बताया और लास्ट में बताया कि बस्ती के गीले होने से भली प्रकार हाथ से उसका धारण नहीं हो जाएगा। अधार्यत्व मतलब हम उसको ठीक से होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो फिर से आचार्य चरक क्या बताते हैं, विषम मांसल छिन्न स्थूल जालिकावत वातलाह स्निग्ध क्लिन्नश्च तान्नश्च बस्ती न कर्मशु वर्जयेत। मतलब बस्ती में जो दोष हैं कौन कौन से हैं, विषम मांसल छिद्रयुक्त स्थूल सिराजाल वातला स्निग्ध और क्लिन्न, इनकी वजह से क्या हो सकता है, बस्ती की विषमता से औसत की गति विषम हो जाती है, बस्ती मांसल होने से उसमें कच्चे मांस की गंध आने लगती है, बस्ती के छिद्रयुक्त होने से औषधों का स्राव होने लगता है, बस्ती के अधिक मोटे होने से कठिनता से हाथ में पकड़ी जाती है, बस्ती के सिराजाल युक्त होने से अधिक स्राव होता है, बस्ती के बातल होने से बस्ती में फेन भरा रह जाता है, बस्ती के चिकने या क्लिन्न होने से हाथ से फिसलती है या उसमें गिर जाने का भय होता है, और लास्ट में बस्ती के गीले होने से बस्ती भली प्रकार हाथ में धारण नहीं कर पाते। तो ऐसे आठ दोषों की वजह से आठ व्यापत क्या हो सकते हैं उनके बारे में आचार्य चरक ने यहाँ पे एक्सप्लेन। ओके, तो आचार्य चरक ने यहाँ पे अब बस्ती के मतलब पहले नेत्र के आठ दोष के बारे में बताया, अब उसके बाद बस्ती के आठ दोषों के बारे में बताया। तो बस्ती में यदि ऐसे आठ दोष होते हैं तो उसकी वजह से भी हमें क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो पहले उन्होंने आठ दोषों के बारे में बताया है, विषम मांसल छिन्न स्थूल जालिकावत वातलाह स्निग्ध क्लिन्नश्च तान्नश्च बस्ती न कर्मशु वर्जयेत। मतलब कि ऐसे आठ दोष हैं, कौन कौन से हैं, विषम मांसल छिन्न स्थूल जालिकावत वातलाह स्निग्ध क्लिन्न तान्नश्च बस्ती न कर्मशु वर्जयेत। मतलब कि विषम मतलब इरेगुलर होना, मांसल बस्ती का फ्लैसी होना बल्कि होना, छिन्न परफोरेटेड होना, स्थूल थिक होना, जालिका मतलब हैविंग दी मेनी पोर्स बहुत सारे उसमें छिद्र होना, वातलाह कंटेनिंग एयर होना, स्निग्ध विस्कस ऑयली या स्लिपरी होना, या क्लिन प्यूटिफाइड और रोटेड होना आर टू बी अवॉइडेड। ऐसे आठ दोषों को अवॉइड करने के लिए बोला है, बिकॉज दे इफ यूज्ड इन द प्रोसीजर कॉज द दोषास और हार्मफुल इफेक्ट इन द बॉडी एंड आर ट्यूबुलेटेड ब्लो इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्डर। मतलब इन ऑर्डर के बेस पे इनका इनकी ऑर्डर के हिसाब से बाद में उन्होंने दूसरे वाले श्लोका में उसके व्यापक और कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताया कि यदि हम ऐसे बस्ती के आठ दोषों की वजह से बस्ती में यदि ये आठ दोष हैं और यदि हम ऐसे यूज करते हैं तो हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, उन्होंने नेक्स्ट लाइफ में या फिर नेक्स्ट श्लोका में उसके बारे में बताया है। अब इसके बाद हम आते हैं कि बस्ती जो एडमिनिस्ट्रेट करता है, जो देता है, उसे हम बोलते हैं बस्ती प्रणेता, उसके भी दोष होते हैं। तो देखो हमने पहले नेत्र के पढ़े, तो नेत्र के दोष कितने होते हैं, आठ होते हैं, उसके व्यापक कितने हैं उसके बारे में बताया। फिर बस्ती पुटक जो था उसके कितने दोष होते हैं, आठ होते हैं, और फिर उसके उसकी वजह से जो व्यापक होते उनके बारे में आचार्य चरक ने बताया। फिर उसके बाद तीसरी कैटेगरी में तीसरे नंबर पर उन्होंने बताया कि एरर बाय दी बस्ती एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब कि बस्ती प्रणेता के कौन कौन से दोष होने की वजह से क्या क्या व्यापद आ सकते हैं। तो बहुत अच्छे से उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो क्या बोलते हैं आचार्य चरक इस श्लोका में, सावात अतिद्रुत उच्छिप्त त्रयक उल्लुप्त कंपित अतिग वाहग मंदग अतिवेगा। दीज आर दी 10 दोषास, किसके, बस्ती प्रणेता के। जो बस्ती देता है यदि उसमें ऐसे 10 दोष पाए जाएंगे तो हमें क्या होगा, उसके कॉम्प्लिकेशन देखना पड़ेंगे या देखने को मिलेंगे, पेशेंट को ऐसे कॉम्प्लिकेशन आएंगे। किस कैसे, तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, सावात अतिद्रुत होना, उच्छिप्त होना, त्रयग होना, उल्लुप्त होना, कंपिता होना, अति वायग मंदग और अतिवेग के साथ होना, ये बस्ती प्रणेता के दोष माने जाएंगे। तो क्या बताते हैं, डिफेक्ट रिलेटेड टू दी प्रणेता मतलब एडमिनिस्ट्रेटर और अटेंडेंट हु अप्लाई दी प्रोसीजर आर सावात बस्ती फिल्ड विथ एयर, अतिद्रुत वेरी फास्ट, उच्छिप्त राइज और दी अपवर्ड्स, त्रयक ऑब्लिक और लाइक त्रिक मतलब साइड वाइज, उल्लुप्त टेकन आउट, कंपिता ट्रेम्बलिंग और दी शेकिंग, अति एक्सेस और टू फास्ट, वाहग आउटसाइड मतलब बाहर निकल लगी, मंदग स्लो एंड अति वेगा स्पीडली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बस्ती एंड दे कॉज दी हार्म टू दी बॉडी। मतलब यदि बस्ती प्रणेता के ऐसे 10 दोष देखने को मिलते हैं तो उसके द्वारा दी गई बस्ती कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन व्यापक प्रोड्यूस करेगी, वो हार्मफुल हो सकती है। इसके बाद उन्होंने बताया कि उसके इफेक्ट से क्या तकलीफें हो सकती हैं अनुच, तो एक एक करके उन्होंने एक एक दो दोष को साथ में लेके बताया है। इस श्लोक नंबर 9 और 10 में
तो क्या बताते हैं, अनुच्छ वाष्य च बद्धे वा दत्ते निशेष एव वा प्रविश्य कुपितो वायु सूल तोद दको सूल तो दको सूलता उदकोरो अनुच्छ वाष्य च बद्धे वा दत्ते निशेष एव वा प्रविश्य कुपितो वायु सूलतो दक्रो भवेत तत्र अभ्यंगो गुदे श्वेदो वातग्न नान्य वातग्न अन्य स्नानी च। क्या बताते हैं, इस श्लोका को आपको अच्छे से पढ़ना है, इस श्लोका को जब भी स्प्लिट करोगे उससे आपके अर्थ निकल के आते हैं, तो ध्यान रखना इस श्लोका को कभी भी गलत रिसाइट नहीं करना है, भले ही आपको टाइम लगे चलेगा लेकिन इस श्लोका को अच्छे से रिसाइट करना है। तो क्या बोलते हैं, अनुच्छ वास्य च बद्धे वा दत्ते निशेष एव वा प्रविश्य कुपितो वायु शूलतो दक्रो भवेत तत्र अभ्यंगो गुदे श्वेदो वातग्न नान्य स्नानी च। तो 9 और 10 नंबर के श्लोका में बताया, तो क्या बताते हैं, यदि बस्ती पुटक में औसत भरकर भली प्रकार से नेत्रों को बांधकर बिना हवा निकाले मतलब सावातम नेत्र गुदा में लगाया जाए, या हम रेक्टल वाले एरिया में एनएस वाले एरिया में यदि उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, तथा बस्ती पुटक से भरी सारी औषधियों को गुदा में हम प्रविष्ट कराए जाए, तो गुदा में वायु प्रविष्ट कर कुबित हो जाती है, जिससे उदर में सूल और सुच होने जैसी वेदना होने लगती है। ऐसी दशा में हमें क्या करना है, अभ्यंगा और गुदा प्रदेश में स्वेदन कराने का आचार्य चरक ने विधान बताया है, तथा बातनाशक आहार विहार का प्रयोग करना चाहिए। फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या बताया है, यदि बस्ती पुटक में औषध को भरकर भली प्रकार से नेत्रों को बांधे बिना हवा निकाले बिना यदि हम नेत्र को गुदा में प्रविष्ट करके और हम मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, हम उसमें एंटर कराते हैं, तो सारी औषधियाँ जो हैं वो गुदा में प्रविष्ट कराई जाएं, तो गुदा में वायु प्रविष्ट करने से वायु कुपित हो जाएगी, इससे उदर में सूल हो सकता है, सुई चुभने जैसी वेदना हो सकती है। ऐसी दशा में अभ्यंगा और गुदा प्रदेश में स्वेदन कराना चाहिए एवं बातनाशक आहार का प्रयोग करने का विधान आचार्य चरक ने यहाँ बताया है। सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकेशन फ्रॉम an improperly filled and or tight basti and complete emptying of basti will cause entry of air just like a savata into the rectum, vata dosha get vitiated inducing the sula like sharp cutting or acute type of pain and toda प्रिकिंग टाइप ऑफ पेन। तो उसमें क्या बताया, फिर यदि ऐसा कुछ तकलीफ होती है तो आचार्य चरक ने बताया तो क्या करना है, अभ्यंगा ऑयल मसाज के बारे में बोला, श्वेदा फोमेंटेशन टू गुदा एंड कंजम्पशन ऑफ डाइट दी कंप्रेसिंग ऑफ बात दोषा पैसिफाइंग इट्स सॉरी आइटम्स आर टू बी डन एज अ मैनेजमेंट, मतलब अभ्यंगा स्वेदन और वातनाशक आहार विहार को आहार का फॉलो करने के लिए या फिर एडवाइस करने के लिए बताया है। नेक्स्ट, अति द्रुता और उच्छिप्त की वजह से क्या तकलीफ हो सकती है, श्लोका नंबर 10 और 11। तो क्या बताते हैं, द्रुतम प्रणीते निष्कृष्टे सहसो उच्छिप्त एव वा स्यात कटी गुद जंघा अर्ति वस्ति स्तंभ उरुवेदनाः भोजनम तत्र वातघ्नम स्नेहा स्वेदा सवस्त्याः। रिपीट करूंगा, द्रुतम प्रणीते निष्कृष्टे सहसो उच्छिप्त एव वा स्यात कटी गुद जंघा अर्ति वस्ति स्तंभ उरुवेदनः भोजनम तत्र वातघ्नम स्नेह श्वेदः सवस्त्यः। मतलब वो क्या बताना चाहते हैं यहाँ पे, कि अब शीघ्रता से अति द्रुत और उच्छिप्त की वजह से क्या तकलीफ हो सकती है, इन केस ऑफ वेरी फास्ट इंट्रोडक्शन विथ एंड विड्रॉल ऑफ द नेत्रा एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द नेत्रा इन अपवर्ड डायरेक्शन just like creating arati pain occurs in the waist rectum and calf along with the thigh। क्या बताया, कटी में गुदा में जंघा में और वस्ती प्रदेश में अरति मतलब पेन प्रोड्यूस कर सकती हैं। कंजम्पशन ऑफ डाइट कंप्राइजिंग ऑफ द वाता दोषा पैसिफाइंग आइटम्स जस्ट लाइक अ अभ्यंगा और स्वेदन फोमेंटेशन एंड बस्ती आर टू बी एडवाइस एज अ मैनेजमेंट। तो आचार्य चरक फिर से क्या बताते हैं, हमें सुनना ध्यान से, शीघ्रता से प्रवेश और निष्कासन से होने वाली वजह क्या है, तो उसमें बताया कि यदि नेत्र को शीघ्रता से गुदा में प्रवेश किया जाए और शीघ्रता से ही उसे बाहर निकाल लिया जाए अथवा नेत्र का मुख ऊपर की ओर कर दिया जाए तो गुदा में औषधि प्रवेश की जाए, यदि ऐसे तरीके से तो कटी प्रदेश में गुदा प्रदेश में जंघा प्रदेश में बहुत
बहुत तीव्र वेदना होती है तथा मूत्राशय में जकड़ाहट और उर्दु प्रदेश में वेदना होना संभव हो जाता है। ऐसी दशा में बातनाशक आहारों का स्नेहन और स्वेदन का हमें ट्रीटमेंट या चिकित्सा के रूप में उपयोग करने के लिए बताया है और स्वेदन के साथ साथ में बातनाशक निरुपस्थियों का भी प्रयोग करने का आचार्य चरक ने हमें यहाँ पे एडवाइस किया है कि यदि ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो हमें स्नेहन स्वेदन के साथ बातनाशक निरुपस्थियों का भी प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं त्रक दोषा, वो क्या बोलते हैं, त्र्यक वल्याव्रत द्वारे है वध्ये वापी न गच्छति नेत्रे तज्जु निष्कृष्य संशोध्य च प्रवेशेत। क्या बोल रहे हैं, त्र्यक वल्यव्रत द्वारे हे, त्र्यक वल्यव्रत द्वारे हे वध्ये वापी न गच्छति नेत्रे तज्जु निष्कृष्य संशोध्य च प्रवेशेत। दिस अकर ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ नेत्रा इन इम्प्रॉपर डायरेक्शन वेयर दी एपरेचर गेट्स ऑब्स्ट्रक्टेड बाय दी गोदावली एंड सम मटेरियल्स लाइक दी थ्रेड नॉट इन occluding the aperture from inside, here the netra should be withdrawn, either reintroduced in proper direction or obstruction removed and reintroduced. क्या बोल रहे हैं आचार्य चरक, त्रयक नेत्र प्रयोग से क्या हानि हो सकती है, यदि नेत्र को तिरछा करके गुदा में बस्ती लगाई गई हो तो गुद्वार की बलियों में से आवृत्त होने कारण औषधि भीतर प्रवेश नहीं करेगी अथवा बस्ती में नेत्र जिस सूत से बांधा गया हो उस सूत से ही बस्ती पुटक का द्वार बंद गया हो तो औषधि भीतर प्रवेश नहीं करती। ऐसी दशा में नेत्र को निकाल कर और उसे शोधन कर सीधी गुदा में लगाने का विधान आचार्य चरक ने बताया है। फिर से रिपीट करूंगा, यदि नेत्र को तिरछा करके गुदा में बस्ती लगाई गई हो और तो गुद्वार के बलियों से आवृत्त होने के कारण औषधि भीतर प्रवेश नहीं करती अथवा बस्ती में नेत्र जिस सूत से बांधा या धागे से बांधा गया हो उस धागे से ही बस्ती पुटक का द्वार बंध गया हो तो औषधि भीतर प्रवेश नहीं करती। ऐसी दशा में नेत्र को निकाल कर और उसे शोधन कर सीधी गुदा में लगाने का विधान आचार्य चरक ने यहाँ बताया है। नेक्स्ट, उल्लुप्त और कंपित दोष की वजह से क्या तकलीफ हो सकती है और क्या व्यापद हो सकते हैं। सो पीड्यमाने अंतरहा मुक्ते गुदे प्रहितो अनिलहा उरास्रो अर्ति मूर्वश्चो सदनम जनेदवली बस्तिस्यातत्र विल्वादि फलस्यामादि मूत्रवान स्याददाहो दवथु क्षोभ सोफ कंपन्न अभियते गुदे कसाय मधुरा सीता सेकास्त्र वस्त्या। तो आचार्य चरक यहाँ पे उल्लिप्त और कंपित की दोष की वजह से क्या व्यापद आएगा और उसके लिए ट्रीटमेंट क्या होगा उसके बाद साथ में चर्चा की है। तो फिर से रिपीट करेंगे, पीड्यमाने अनंतराहा मुक्ते गुदे प्रतिहतो अनिलहा उरा स्रोअर्ति मूर्वश्च सदन जनेदवली बस्तिस्यातत्र विल्वादि फलस्यामादि मूत्रवान स्याददाहो दवथु शोफ कंपन्न अभिहते गुदे कसाय मधुरा सीता सेकास्त्र सवस्त्याः। क्या बताते हैं, तो इसको इफ द स्क्वीजिंग ऑफ बस्ती इज इंटरप्टेड इन बिटवीन दैट विल बी कॉज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वात दोषा एंड इन टर्न विशिएट इट रिजल्टिंग इन पेन इन द चेस्ट एंड हेड अलोंग विथ वीकनेस ऑफ द थाइस। तो मैनेजमेंट क्या बताया है, मैनेजमेंट शुड बी डन बाय द एडमिनिस्ट्रिंग बस्ती कंप्राइजिंग ऑफ द दशमूला श्यामा एंड गौमूत्रा इन केस ऑफ ट्रेम्बलिंग ऑफ द हैंड्स लाइक इट ट्रीमर्स उसके हाथ में कंपन है तो वाइल इंट्रोडक्शन ऑफ नेत्रा बर्निंग सेंसेशन एंड दवथु पेन हीट और इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग अकर्स इन द गुद प्रदेश शेका पोरिंग एंड बस्ती हैज टू बी डन विथ मेडिसिन हैविंग द एस्ट्रिंजेंट एंड द स्वीट टेस्ट एंड इन कोल्ड स्टेट। तो आचार्य चरक यहाँ पे क्या बताते हैं कि यदि पुनः पुनः बस्ती देने से क्या होगा, तो बार बार बस्ती को दबाकर छोड़कर पुनः दबाकर बस्ती का प्रयोग करने से गुदा प्रदेश में प्रवाहित मतलब रुकी हुई वायु उरह प्रदेश में और सिर में वेदना उत्पन्न करती है और उरु में बलवान वायु शिथिलता उत्पन्न करती है मतलब थाई में उरु प्रदेश में शिथिलता उत्पन्न करती है। ऐसी दशा में क्या बताया आचार्य चरक ने, बिल्वादी पंचमूल और दसमूल या फिर मैनफल या काली निषोध आदि द्रव्यों के क्वाथ कल्क में गौमूत्र मिलाकर निरुबस्ती देने का विधान बताया है। फिर उन्होंने आचार्य चरक ने और भी क्या बताई, बस्ती देते समय यदि हाथ में कंपन हो रहा है तो उसके बारे में बताया कि गुदा में यदि नेत्र प्रवेश कराते समय यदि
यदि नेत्र में या हाथ में कंपन हो जाए तो उस कंपन से गुदा में आघात हो जाता है और आघात से गुदा में दाह, इंद्रियों में जलन और सोत होने लगता है। ऐसी दशा में कसाय मधुर रस वाले शीतल द्रव्यों से परिषेक तथा कसाय मधुर शीतल वस्तुओं का प्रयोग करने का विधान बताया है। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको हम रिपीट करते हैं। उन्होंने बताया है कि यदि हम बस्ती को बार बार दबाकर छोड़कर पुनः दबाकर बस्ती का प्रयोग करने से गुदा प्रदेश में प्रवाहित और रुकी हुई वायु पूरह प्रदेश में और सिर्फ में वेदना उत्पन्न करती है, उरुओं में मतलब कि थाई प्रदेश में बलवान वायु शिथिलता उत्पन्न करती है। ऐसी दशा में बिलवादी पंचमूल या दसमूल मैनफल काली निषोध आदि द्रव्यों के क्वाथ कल्क में गौमूत्र मिलाकर निरुबस्ती देने का विधान बताया है। और साथ में क्या बताया एक और कॉम्प्लिकेशन के, कि यदि गुदा में नेत्र प्रवेश कराते समय यदि नेत्र में या हाथ में कंपन हो जाए तो उस कंपन से गुदा में आघात हो सकता है या आघात हो जाता है, उस आघात से गुदा में दाह, इंद्रियों में जलन और शोथ बढ़ सकता है। ऐसी दशा में कसाय मधुर रस वाले शीतल द्रव्यों से परिषेक तथा कसाय मधुर और शीतल वस्तुओं का प्रयोग करने का विधान बताया है। अब इसके बाद आता है अतिदोष। अब क्या बताया है, अतिदोषा सो अतिमात्र प्रणीतेन नेत्रेण क्षरणादवले श्यातसार्ति दाह निस्तोद गुदवर्च प्रवर्तनम तत्र सर्पी पिचुक्षीरम पिच्छावस्थिश्च शस्यते। अतिमात्र प्रणीतेन नेत्रेण क्षरणादवले श्यातसार्ति दाह निस्तोद गुदवर्च प्रवर्तनम तत्र सर्पी पिचुक्षीरम पिच्छावस्थिश्च शस्यते। क्या बता रहे हैं, एक्सटेंसिव इंट्रोडक्शन ऑफ द नेत्र इनटू द गुदा इन्फ्लिक्ट्स इंजरी टू द गुदावली एंड रिजल्ट्स इन पेन बर्निंग सेंसेशन प्रिकिंग टाइप ऑफ पेन प्रोलैप्स ऑफ द गुदा एंड अब्रप्ट और अनएक्सपेक्टेड डेफिकेशन। तो ये हो सकते हैं, तो उसका मैनेजमेंट क्या बताया है, पिचू विथ काऊ घी एंड मिल्क एंड द पिच्छावस्थी आर टू बी डन इन हेयर। तो यहाँ पे बताने का मतलब इसको ट्रीटमेंट करने का ये वाला विधान बताया है। तो आचार्य चरक फिर से क्या कहते हैं कि यदि पुनः पुनः नेत्र में प्रवेश निष्कासन से क्या हानि हो सकती है, बार बार गुदा में नेत्र को लगाने से और नेत्र से नेत्र को बाहर निकालने से गुदा की वलियें कट सकती हैं। ऐसी दशा में गुदा में पीड़ा दाह और सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है और रोगी का पुरीस भारी निकलता है अर्थात वह अपनी गुरुता के कारण जल में डूब जाता है। ऐसी दशा में क्या करने का विधान बताया आचार्य ने, ऐसी दशा में घृत से गुदा प्रदेश में मर्दन घृत में कपड़े या रुई को भिगोकर गुदा प्रदेश में बांधने का विधान बताया है। दूध से परिषेक तथा पिच्छावस्थी लगाकर लाभ होता है ऐसा विधान बताया है। फिर से रिपीट करेंगे, आचार्य ने बताया कि बार बार गुदा में नेत्र को लगाने और निकालने से गुदा की बलियां कट जाती हैं। ऐसी दशा में गुदा में पीड़ा दाह सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है और रोगी का पुरीस भारी होने लगता है अर्थात वह गुरुता के कारण पानी में डूब जाता है। ऐसी दशा में घृत से क्या करना है, ऐसी दशा में तो ये सब लक्षण बताए तो क्या करना क्या है, ऐसी दशा में घृत से गुदा प्रदेश में मर्दन घृत में कपड़े या रुई को भिगोकर गुदा प्रदेश में बांधने का दूध से परिषेक करने का और पिच्छावस्थी देने का विधान बताया है। इसके बाद मंद वेग से और अति वेग से यदि हम बस्ती प्रणेता यदि यूज करता है बस्ती को तो क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, तो क्या बताते हैं, नाभाव्यति मंदस्तु वायस्तवाशु निवर्तते स्नेहस्तत्र पुनः सम्यक प्रणेय सिद्धि मिच्छिता अति प्रपीड़िता कोष्ठे तिष्ठत्याति वा गलम तत्र वस्तिर्वरेकश्च गलपीड़ादि कर्मचा। इन केस ऑफ फर्स्ट वन लाइक अ स्लो एडमिनिस्ट्रेशन मेडिसिन डज नॉट रीच द पक्वाशय और दी इन इफेक्टिव और सेम दी एडमिशन दी फ्रॉम दी गुदा सेकेंड वन द मेडिसिन इज एक्सपेल्ड आउट दी फास्टर। इन बोथ केस द स्नेह बस्ती हैज टू बी डन, यदि दोनों कंडीशन होती है मंदगा और अतिवेगा तो द स्नेह बस्ती हैज टू बी डन। इन केस ऑफ स्पीडली एडमिनिस्ट्रेशन आइदर मेडिसिन स्टे इन द कोस्टा अप टू द गला और लाइक थ्रोटा देयर बस्ती व्रेका लाइक परगेशन एंड द टाइट ग्रिपिंग ऑफ द नेक आर टू बी डन। तो क्या करना चाहिए उसकी वजह से क्या करना चाहिए, तो उन्होंने उसका विधान बताया। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, यदि मंद वेग से औषध का प्रवेश कराया गया है तो वह पक्वाशय तक पहुंच ही नहीं पाती, इसलिए पक्वाशय को भावित नहीं करती
तथा जब बस्ती लगाते समय नेत्र बाहर ही रह जाए तो औषधि शीघ्र ही बाहर लौटकर बाहर आ जाती है या गिर जाती है। ऐसी दशा में भी वह लाभकारी नहीं होती है। इन दोनों दशाओं में क्या करना है? चिकित्सा में सफलता की इच्छा रखने वाले चिकित्सक को चाहिए कि वह उचित रूप से स्नेह बस्ती का फिर से प्रयोग करे। स्नेह बस्ती का फिर से प्रयोग करने का विधान बताया है। फिर उन्होंने बताया कि यदि अधिक वेग से बस्ती को दबाकर औषधि प्रविष्ट कराई जाए तो वह औषधि पक्वाशय में आकर वहीं रुक जाती है, फिर बाहर नहीं आती है, अथवा औषधि गले तक चली जाती है। ऐसी दशा में बस्ती और विरेचन का प्रयोग करना चाहिए। और यदि औषधि गले तक आ जाए तो गले को हाथ से दबा लेना चाहिए, जिससे कि औषधि का वेग नीचे की ओर चला जावे। इसमें यह भी ध्यान रखें कि गला ऐसा ना दबाएं जिससे रोगी की या पेशेंट की मृत्यु हो जाए। तो ध्यान रखना, यदि अधिक वेग से बस्ती को दबाकर औषधि प्रविष्ट कराई जाए तो वह औषधि पक्वाशय में आकर वहीं रुक जाती है और फिर बाहर नहीं आती है। तो औषधि को क्या करना है, जब वो गले तक आ जाएगी तो इस दिशा में क्या करना है, गले को होल्ड करना है ताकि बस्ती बाहर ना निकले बल्कि नीचे दूसरे डायरेक्शन से वापस पहुंच जाए, और गले को भी ऐसे नहीं दबाना है ताकि पेशेंट की मृत्यु हो। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद आचार्य चरक ने यहाँ पे तीन चीजों के बारे में बताया। तो नेत्र के दोष 8 होते हैं और उनके वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशन, बस्ती के जो पुटक है उसके जो दोष हैं उनके 8 दोषों के बारे में बताया और उसकी वजह से होने वाले व्यापत के बारे में बताया। फिर बस्ती प्रणेता मतलब जो बस्ती देता है उसके 10 दोषों के बारे में बताया और उसकी वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशन या व्यापत के बारे में बताया। और लास्ट में अध्याय का उपसंहार बताते हैं, क्या बोलते हैं, नेत्र बस्ती प्रणेत्रणाम दोषे दोषानेतान सभेश जान बेती यस्तेन मतिमान बस्ती कर्माणि कार्येत। क्या बताते हैं, एन इंटेलिजेंट फिजिशियन हु लर्न द दोषास ऑफ नेत्र बस्ती एंड प्रणेता प्रॉपरली अलोंग विथ मैनेजमेंट शैल प्रैक्टिस बस्ती। वो बोलते हैं नेत्र बस्ती देने वाले चिकित्सकों को दोष और उसमें होने वाले उपद्रवों या व्यापदों का निर्देश और चिकित्सा को जो वैद्य जानता है वह बुद्धिमान चिकित्सक बस्ती कर्म का अच्छी प्रकार से संपादन कर सकता है। मतलब यदि हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में या हम पोस्टिंग के वक्त इन चीज़ों को देखते हैं कि हमें यदि नेत्र के दोष, बस्ती के दोष, प्रणेता के दोष पता है तो उन गलतियों से हम बच सकते हैं, नहीं तो पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, व्यापत आ सकती है। तो आचार्य चरक ने लास्ट में इसको बहुत अच्छे तरीके से बताया है। क्या बोलते हैं, नेत्र बस्ती प्रणेत्राणाम दोषा नेतान सभेश जान बेती यस्तेन मतिमान बस्ती कर्माणि कार्येत। एन इंटेलिजेंट फिजिशियन हु लर्न द दोषास ऑफ नेत्र बस्ती एंड प्रणेता प्रॉपरली अलोंग विद द मैनेजमेंट सेल्फ प्रैक्टिस बस्ती। मतलब नेत्र बस्ती देने वाले चिकित्सकों का दोष और उससे होने वाले उपद्रवों का निर्देश और चिकित्सा को जो वैद्य अच्छी भली भांति जानता है, समझता है, वह बुद्धिमान चिकित्सक बस्ती कर्म का अच्छी प्रकार से संपादन कर सकता है। अब यहाँ पे इस चैप्टर को हम समाप्त करते हैं, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू टू ऑल।